Assalamualaikum, रेसिपी हब में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ पालक अंडा करी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो फुल वीडियो को वॉच करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब यहाँ पे सबसे पहले हम पालक को ब्लांच करेंगे। तो एक कढ़ाई में मैंने पानी ले लिया है और पानी को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। जैसे ही उसमें एक उबाल आएगा, हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ अ टी स्पून जितनी चीनी। चीनी ऐड करने से एक अच्छा सा बैलेंस जो है वो बन जाता है। और अब यहाँ पे जैसे ही पानी में एक बॉयल आएगा, हम पालक को ऐड कर देंगे। ये एक बंच मैंने पालक का लिया है अच्छे से वॉश करके। अब इस पालक में हम एक मुट्ठी हरा धनिया भी ऐड कर देंगे और 3 हरी मिर्च ऐड करेंगे। मिर्च की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर लें। पालक को कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए सिर्फ हमें ब्लांच करना है इस बॉइलिंग वाटर में। तब तक यहाँ पे एक बोल में हम चिल्ड वाटर ले लेंगे आइस क्यूब्स के साथ, और इस पालक को हम गर्म पानी से निकाल कर डायरेक्ट इस ठंडे पानी में ट्रांसफ़र कर देंगे, जिससे कि इसका कलर बहुत अच्छा मेंटेन रहेगा और इसका कुकिंग प्रोसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब इस पालक को हमें इस तरह से इसके अंदर का सारा पानी जो है वो निचोड़ लेना है, और इसे एक ब्लेंडर जार में हम ट्रांसफ़र करके एक प्यूरी फॉर्म में ब्लेंड कर लेंगे। अब यहाँ पे एक कढ़ाई में मैंने तेल लिया है, जिसमें हम 3 छोटी इलायची, 3 लौंग, 1 तेज़पत्ता, 2 सूखी लाल मिर्च, यहाँ पे मैंने हाफ अ टी स्पून जितना होल ब्लैक पेपरकॉर्न लिया है, 7 से 8 लहसुन की कलियाँ और हाफ अ टी स्पून ज़ीरा लिया है। तो इन सारी चीज़ों को हमें इस तेल में जो है सॉटे कर लेना है एक अच्छी खुशबू आने तक और गार्लिक के अच्छे से भुनने तक। जैसे ही गार्लिक हल्का सा गोल्डन ब्राउन होगा, हम इसमें फाइनली चॉप्ड अनियन ऐड कर देंगे। ये एक बड़े साइज़ के अनियन को मैंने बहुत फाइनली चॉप कर लिया था। अब अनियन को हमें गोल्डन ब्राउन करना है। जितना अच्छे से ये कैरामलाइज होगा, उतना ही अच्छा जो है ग्रेवी का टेक्सचर बनेगा। तो जैसे ही यहाँ पे प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन होते हैं, हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। तो एक मीडियम साइज़ के टमाटर को मैंने चॉप कर लिया था। टमाटर को भी अच्छे से हम यहाँ पे मिक्स करेंगे और इसे अच्छे से सॉफ्ट होने तक हम पका लेंगे। तो यहाँ पे देखें, टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें हम कुछ स्पाइस पाउडर्स ऐड करेंगे, जैसे कि हाफ अ टी स्पून टर्मरिक पाउडर। यहाँ पे मैं इसमें 1.5 टी स्पून जितना कोरिएंडर पाउडर ऐड करूँगी और 1 टी स्पून जितना मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी एक अच्छा रंग देने के लिए। अच्छे से इन मसालों को हम मिक्स कर लेंगे। हल्का सा पानी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ताकि मसालों को भूनने में आसानी हो। यहाँ पे देखें, जो टमाटर है वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, बिल्कुल मशी हो चुके हैं। अच्छे से मसाला जो है वो भुन चुका है, ऑयल भी जो है वो सेपरेट होने लगा है। अब इस पॉइंट पर हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप दही। तो यहाँ पे मैंने दही को अच्छे से फेंट कर ऐड कर दिया है और अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे। दही को भी अब अच्छे से हमें पकने देना है। तो यहाँ पे देखें, अच्छे से मैं इसे हिलाती जा रही हूँ और ऑयल जो है वो आप देख सकते हैं कितना परफेक्टली रिलीज हो चुका है। दही भी अच्छे से पक चुका है। स्वाद अनुसार इसमें हम नमक ऐड कर देंगे। तो जो हमारा मसाला है वो अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें हम पालक ऐड कर देंगे, जिसे हमें प्यूरी फॉर्म में ग्राइंड कर लिया था। तो अच्छे से इसे भी हमें मिक्स कर लेना है। पालक को भी यहाँ पे अच्छे से हमें भूनना है ताकि सारे मसाले का फ्लेवर जो है वो इस पालक की प्यूरी में आ जाए। अब यहाँ पे इसमें मैंने लुक वॉर्म वाटर ऐड किया है वही मसाले के जार में, और वो भी हम ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे एक दूसरे पैन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, जिसमें मैं 4 बॉयल्ड एग्स ऐड कर रही हूँ, और इसे हम इस तरह से हल्का गोल्डन ब्राउन स्पॉट्स आने तक फ्राई कर लेंगे। 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी ऐड किया है एक अच्छा सा रंग देने के लिए। एग्स को जब हम इस तरह से फ्राई करते हैं तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम इसे साइड में निकाल लेंगे। एग्स जो है परफेक्टली फ्राई हो चुके हैं, आप देखें इसके ऊपर का जो लेयर है वो परफेक्टली फ्राई हो चुका है। अब यहाँ पे हमारी जो ग्रेवी है वो भी अच्छे से पक चुकी है। आप देखें ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। अब फाइनली इसमें हम ऐड करेंगे हाफ अ टी स्पून गर्म मसाला पाउडर।
और हाफ टी स्पून जितना ही कसूरी मेथी, इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। कसूरी मेथी ऐड करने से बहुत अच्छा अरोमा जो है वो इस ग्रेवी में आता है। अब यहाँ पे ग्रेवी की कंसिस्टेंसी को हम सेट करेंगे। जितनी भी करी हमें चाहिए उस हिसाब से हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। लूक वार्म पानी ही हमें ऐड करना है। तो मैंने तकरीबन आधा कप जितना पानी ऐड किया था। और अब इसमें हम इन फ्राइड एग्स को ऐड कर देंगे, यानी कि बॉइल्ड एग्स को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। और अच्छे से अंडों को भी हम इस ग्रेवी में पकने देंगे। फ्राई करने से पहले मैंने यहाँ पे एग्स को फोक से जो है वो प्रिक कर लिया था, ताकि इसके अंदर सारे मसाले जो हैं वो अब्जॉर्ब हो सकें। तो वो क्लिप मुझसे मिस हो गई है, आप भी ज़रूर इस तरह से कर लें। तो यहाँ पे देखें हमारा पालक अंडा करी बिल्कुल रेडी है, मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। आप इसे पराठे या राइस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।